आशु भारद्वाज, आपका अपना वीजा एडवाइजर, सभी को राम सलाम सत श्री अकाल। और काफी दिनों के बाद हमारी जो है वीडियो अपडेट हो रही है। रीजन आप लोगों को पता ही है कि जैसे हमारे पास कोई क्ल्यू, कोई मतलब वीडियो हो, किसी लॉजिकल वीडियो हो, तब भी हम लोग अपडेट करते हैं, अदरवाइज यूट्यूब का मेमोरी भरने से कोई फायदा नहीं है। तो काफी लोगों की क्वेश्चन था कि आप लोग वही वीजे शो करते हैं जो कि मतलब आप लोग लगवाते हैं, लेकिन आप कभी रिफ्यूजल नहीं बताते हैं कि आप लोगों के रिफ्यूजल भी आए हैं, तो कौन से आए हैं, क्या आए हैं। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वीजा लगता है लोग खुशी से वीडियो देते हैं, वीजा रिफ्यूज होता है लोग शर्म के मारे आगे नहीं आते हैं। किसका मतलब, किसकी अपडेशन डाले, कोई बताता नहीं है। अगर बताएं तो वो कहते हैं हम वीडियो में नहीं आएंगे। लेकिन फर्स्ट टाइम मिस्टर गगन जी, जो कि लुधियाना के रहने वाले हैं, हमारे चैनल से जुड़े, वीजा का रिफ्यूज हुआ है इनका, लगा जापान के लिए इन्होंने अप्लाई किया था। तो इन्होंने बताया कि सर मैं सिर्फ और सिर्फ कैमरे के सामने आकर लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं कि मैंने जो अच्छे काम किए वो क्या थे और जो गलत मेरे से मिस्टेक्स हुई वो क्या थी। तो ये सारी चीजें जो है आज ही अपने मुंह से अपने ही द्वारा बताएंगे, क्योंकि पहली तो बात है कि इनको मैं धन्यवाद करता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये मतलब कैमरे के सामने आना चाहे और आए हैं, हौसले बुलंद किए उन्होंने अपने। वरना हर कोई बोलता है रिफ्यूजल लग गया, पता नहीं कितनी शर्म, कहीं मतलब ऐसे शर्म मनाते हैं जैसे कहीं चोरी करके आए हैं। नहीं यार, आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। चलो बात लंबी ना करते हुए मैं मिस्टर गगन जी, जो कि लुधियाना के रहने वाले हैं, तो उनसे आपकी मीट करवाता हूँ। मिस्टर गगन जी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम गगन कुमार है, मैं लुधियाना का रहने वाला हूँ। काफी 1.5 साल से मैं आशीष सर के यूट्यूब चैनल से जुड़ा हूँ और अभी ज्वाइन मेंबर भी ज्वाइन किए भी मैंने यूट्यूब से। तो सबसे पहले मैं इनका थैंक यू करना चाहूंगा कि इनकी वीडियो की वजह से मैंने अपने हाथ से फाइल प्रिपेयर की, और उसके बाद सभी लोग, पिछले 2019 में मैंने ये वीजा अप्लाई किया था, और पिछले 2019 दिसंबर की बात, तो मैं सोच रहा था कि मैं वीडियो ऑफिसर को दूंगा, तो मगर आज समय मिला है मेरे। तो सबसे पहले सभी मेरे जो मैं जहाँ मैं रहता हूँ, कभी कोई सिंगापुर जा रहा था, कोई कहाँ जा रहा था, तो मैंने सोचा कि ना कोई घूमने जाए तो बढ़िया कंट्री जाए, तो जैसे थाईलैंड जाके लोग पैसा वेस्ट करते हैं तो वो फायदा नहीं। तो मैंने जैसे YouTube की वीडियो से मैं इनसे देख देख कर नॉलेज आने लगी, और उसके बाद मैंने घर पे बात की भी मैं घूमना चाहता हूँ बाहर, तो मैंने कंट्री सेलेक्ट की टोक्यो, मेरे जो ड्रीम लैंड थी। यानी जो कंट्री वो जापान है, उसकी राजधानी टोक्यो है। इन्होंने टोक्यो सिटी जो है काफी सुंदर, स्मार्ट और पॉपुलर, मतलब जिसको बोलते इंजीनियरिंग डेवलपमेंट जो है कि आपको पता है जापान कितना एडवांस है, इन्होंने उसको चूज किया। ये भी पता है इनको कि वो वीजा जल्दी नहीं देता है जापान, तो एकदम से वीजा बड़ा मुश्किल, मतलब भारी वीजा है यूएसए के वीजा, यूएसए फिर भी दे देगा, जापान जल्दी वीजा नहीं देता है, काफी लोगों को पता है, और जिसकी किस्मत होती है मिल भी जाता है, डिपेंड करता है आपके डॉक्यूमेंट एलिजिबिलिटी के ऊपर। बट इनके हौसले बुलंद थे कि इन्होंने सीधी छलांग स्वर्ग में लगाई है, मतलब जापान को चुना। तो सर उसके बाद मैंने फाइल डाली, और मैंने जिसे रेड वीडियो में देख फाइल प्रिपेयर की, बस मेरी गलती यही थी कि मैंने कवरिंग लेटर अच्छा नहीं बनाया, मगर आई होप मेरे को ये पता तो चला कि कवरिंग लेटर होता क्या, आइटनरी होती क्या है, टिकट कैसे बुक करते हैं, होटल कैसे बुक करते हैं। तो बस मैंने कवरिंग लेटर और मैं थोड़ा बैंक बैलेंस में मार खा गया, बाकी मेरी फाइल ओके थी और मैं फाइल लेके भी आया हूँ कि मैंने जो जो, और एक बात थी मेरी कि सर जैसे बोलते हैं वीडियो में कि जो जो आप डॉक्यूमेंट लगाते हो उसकी साथ में आप ना जेरोक्स कॉपी करा के रखा करो, ताकि थोड़ा इजी हो जाए कभी आप प्रेजेंटेशन करो दिखाने के लिए। ये इनका पासपोर्ट है, फोटोकॉपी लेके आए हैं हम, ओरिजिनल पासपोर्ट कभी भी किसी को नहीं बोलते कि आप लोग कैरी करो, या कहीं गुम हो सकता है, कहीं गिर सकता है। हाँ, जहां आप फाइल लगाने जा रहे हो, लाइक एम्बेसी में फाइल लगा रहे हो, बीएसएफ में फाइल लगा रहे हो, फिर तो आपको पर्टिकुलर वहां पे देना ही है, ठीक है। लेकिन अगर आप कहीं मिलने जा रहे हो, किसी को फाइल दिखा रहे हो, तो एडिशनल डॉक्यूमेंट में इसकी कॉपी जोड़ो, लेकिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कभी मत लेके आओ। जो जापान का रिफ्यूजल होता है वो ये है, स्टंप लगती है, जापान ऑलरेडी बैक साइड में स्टंप करता है और बकायदा उस पे ईयर डेट लिखता है कि कौन से ईयर में इसका रिफ्यूजल हुआ है, बट वो रिफ्यूजल लेटर कभी नहीं आपको देता है। तो सर आप ये बताइए मिस्टर गगन जी, चलो पहले तो आपने ये हौसले उठाए कि आपने लगाइए खुद, आपको क्या लगा? चलो बेशक हम एक वो कहते हैं कि एक कहावत है, मकड़ी दीवार पे चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है, गिरती है, फिर एक बार वो अपना सक्सेस हो जाती है, मतलब ऊपर पहुंच जाती है। तो आपको क्या लगता है कि आपको रिफ्यूजल मिला, आपको इसकी मतलब चिंता है, या आपको क्या लगता है, फील क्या हुआ आपको? सर फील और चिंता की तो बात ही नहीं है सर। जैसे देखो, अगर वीजा देने के लिए कंट्री बैठी है तो श्योर श्योर नहीं है कि वीजा आपका लगेगा, तो कभी कभी रिफ्यूजल खाने में पड़ जाती है। मेरा फ्रेश पासपोर्ट था, मेरे को कोई इसकी झिझक नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई दुख नहीं है, मेरा वीजा रिफ्यूज हुआ। बस मेरे बात को खुशी एक बात की है कि आशु सर की वजह से मैंने अपने हाथ से फाइल तैयार की और अपने हाथ से लगाई, कोई एजेंट नहीं, और पैसा भी मेरा इतना वेस्ट नहीं होगा, ना ही घर वालों को कर्जे में डाला मैंने कि भी मेरे, अगर मैं, मेरे को इतना पता, अगर मैं एजेंट से फाइल तैयार करवाता मेरे कम से कम 30-35 हजार खर्चा आ जाना, जो कि आम बात है पंजाब में। तो हम लोगों का मोटिव ऑलवेज एक चीज रही है, डोंट वेस्ट मनी एंड डोंट वेस्ट योर टाइम।
आप लोग खुद अप्लाई कीजिए, आप लोग कर सकते हैं, यू कैन डू एनीथिंग, क्यों नहीं कर सकते हो, आप हर चीज कर सकते हो। तो आपने पेपर कौन कौन से लगाए थे वैसे? पेपर मैंने लगाए थे, एक तो सबसे पहले मैंने VFS ग्लोबल की साइट से फॉर्म तैयार किया था, उसके बाद ये फॉर्म था ये फिल किया जापान का फॉर्म, और उसके बाद सर ये कवरिंग लेटर, मैंने इसकी कॉपी भी निकाल के रखी थी। ओके, कवरिंग लेटर काफी छोटा लगा दिया उन्होंने। और सर उसके बाद आइटनरी होगी, ये आइटनरी लगाई थी मैंने, और सर उसके बाद मैंने टिकट लगाई थी, जो कि मैंने इस टिकट के 999 रुपए पेड किया। आज मैंने ज्वाइन मेंबर जब ज्वाइन की थी इनकी वीडियो से तो पता चला ये सब रकम फ्री में होता है। ये देखिए सर, ये टिकट है 999 रुपए की, सिर्फ आइटनरी है, ये लगाई थी, ये भी वेस्ट। अब एक चीज बताना चाहूंगा, ज्वाइन मेंबर में आपकी मंथली कितने पैसे कटते हैं? सर 150 रुपए। 150 रुपए कटता है, यानी 900 रुपया मतलब आपके लिए 6 महीनों का है, वो बात को समझना। लेकिन उन्होंने एक ही झटके में 900 रुपया खराब कर दिया सिर्फ एक टिकट लेने के लिए, जबकि ज्वाइन मेंबरशिप में मैंने जो चैनल से हमारे से चैनल से जुड़े हैं ज्वाइन मेंबर में, वहां पे हमने कवरिंग लेटर के फॉर्मेट भी डाले हैं, आइटनरी भी डाली है, फ्री में टिकट कैसे निकालते हैं ये वो भी डाला है। अगर पहले इन्होंने चैनल ज्वाइन किया होता तो शायद आज इनको 900 रुपया नहीं खर्च करना पड़ता, यानी कान इधर से पकड़ लो या इधर से पकड़ लो, पकड़ा कान ही जाता है। मतलब आप सोचते हो कि ज्वाइन मेंबरशिप में 150 रुपया लग रहा है जी, तो पर मंथ 150 रुपया कट जाता है, लेकिन आप लोग ये नहीं सोचते हैं जो 900 रुपया इस लड़के ने टिकट का खर्चा है, अगर वो शायद ज्वाइन मेंबर में किया होता 150 रुपए का ज्वाइन चैनल करके लेता तो शायद 900 नहीं खर्च होता, शायद 150 या 300 में उसका काम हो जाता। अभी ज्वाइन में आपने कब से किया चैनल? सर ये मेरे को 1 मंथ हो गया। अच्छा, अभी किया 1 मंथ? हाँ, क्योंकि मैंने वीडियो देखने का सोच रहा था, तो मैंने पहले जो क्रेडिट कार्ड का पंगा था अब वो भी सॉल्व हो गया, अब तो आप डेबिट कार्ड से भी ज्वाइन कर सकते हो जी। तो सर मेरा मोटिव यही है कि माँ बाप पैसे लगाते हैं हमें पढ़ाने के लिए कि भी नॉलेज हो बंदे को। मैंने इतने इतने बंदे देखे जो मेरा फ्रेंड सर्कल है, पढ़े लिखे हैं फिर भी मार खा जाते हैं वीजा वीजा के चक्कर में, वो कहते हैं कि हमने बीए की है, मास्टर्स की है, बाहर जा रहे हैं। और मेरे को तो बस इस चीज का ठहंगा कि इनकी हेल्प से मैंने थोड़ी सी नॉलेज गेन की और मैंने अपने हाथ से वीजा डाला, जो कि मैं स्टडी करता हूँ फगवाड़ा में GNA यूनिवर्सिटी में, तो उधर से भी मेरा थोड़ा मिला और बाकी सर की वीडियो से बहुत हेल्प। इनका OPD इंटरनेशनल शूज वगैरह का काम है, साथ में शूज चप्पल वगैरह GST नंबर इनके पास सारा है। ग्रैंडफादर के नाम पे थी और ग्रैंडफादर ने मेरे को ये स्पॉन्सर किया था ट्रिप, और कहीं ना कहीं मेरे को थोड़ा सा डाउट था कि हो सकता है कि इसमें कोई कमी पेशी रहेगी हो। देखो अब सर एक चीज मैं कहना चाहूंगा, ये देखिए ये फॉर्मेट बिल्कुल मैंने खुद तैयार किया है, जो उसको कहते हैं लेटर हेड कहते हैं कंपनी का, इसके बाद पैसे ले लेते हैं 100-150 रुपए, मैंने खुद अपने हाथ से इसको डिजाइन किया और उसका प्रिंट आउट निकलवा के सब खुद सारा कुछ अपने आप किया हाथ से। ओके, विजिटिंग कार्ड ये भी सर मैंने अपनी उसे ऐप से बनाया था, बाहर में कहीं नहीं गया। मतलब घूम फिर के बात ये आती है कि आप लोग खुद जो है काम कीजिए, अपॉइंटमेंट फ्री रहेगी इस लड़के के लिए, सबके सामने बोल रहा हूँ, ये कभी भी लड़का आएगा हमारे पास इसकी कभी अपॉइंटमेंट नहीं लेंगे हम लोग। हाँ इतना जरूर बोलेंगे कि जिस किसी ने भी आना है प्लीज मंडे के दिन मत आइए, अपॉइंटमेंट के लिए www.ashubhardwaj.com में जाके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं आशु भरद्वाज अपॉइंटमेंट तो भी आपको आ जाएगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।